Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next numerical on break-even analysis. The numerical is as follows. Asian Paints manufacture 10,000 units of paints boxes when working at a normal capacity. The details of this cost are given as follows. Direct material rupees 7.5 per unit, direct labor rupees 2 per unit, variable overheads rupees 2.50 per unit, fixed overheads rupees 4 per unit, and production cost is given rupees 16 per unit. ये total निकल कर आ गया आपके पास production cost. ठीक है, इसके साथ information दे रखी है कि each unit is sold for rupees 20 with variable selling and distribution expenses of rupees 0.50 per unit. ये इसके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं और इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है रुपीज 20 पर यूनिट. ठीक है, अब एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है आपको. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 मंथ ओनली 500 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. मैनेजमेंट प्लान्स टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री एस्टिमेटिंग दैट द फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड टू रुपीज 2000 फॉर द क्वार्टर. यानी कंपनी अगले 3 महीने में ये अंदाजा लगा के चलती है कि केवल 5,500 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, सेल किया जाता है, और इसी वजह से प्लान किया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से कि फैक्ट्री को क्लोज डाउन कर देना चाहिए. और अगर क्लोज डाउन कर दिया जाता है तो जो फिक्स कॉस्ट है वो रुपीज़ 2000 हो जाएगी उस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए. ये एस्टिमेट किया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से. लेकिन जब प्लांट ऑपरेट कर रहा है, व्हेन द प्लांट इज ऑपरेटिंग द फिक्स कॉस्ट इज इनकर्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट. तो वही यूनिफॉर्म रेट से फिक्स कॉस्ट को इनकर किया जाता है. और इसके साथ साथ जो एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट शटडाउन है फॉर द 3 मंथ्स उसको 2800 के तौर पर एस्टिमेट किया जाता है. आपको एडवाइस करना है यहाँ पर कि वेदर द प्लांट शुड बी शट डाउन फॉर 3 मंथ्स एंड कैलकुलेट द शट डाउन पॉइंट फॉर द 3 मंथ्स इन यूनिट्स. तो यहाँ पर आपको एडवाइस करना है मैनेजमेंट को कि क्या उसे प्लांट को शट डाउन कर देना चाहिए, और अगर शट डाउन कर देना चाहिए तो फिर शट डाउन पॉइंट अगले 3 महीने के लिए यूनिट्स में कितना होना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो पहले तो हम निकालेंगे यहाँ पर कि प्लांट को शट डाउन किया जाना चाहिए या नहीं. तो इसके लिए पहले हम कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करेंगे. तो इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहले हम निकालेंगे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें निकालना है. तो इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट कितनी है. मार्जिनल कॉस्ट दैट इज गिवन यू 7.5 पर यूनिट. तो है आपके पास डायरेक्ट मटेरियल, इसके साथ डायरेक्ट लेबर दे रखा है आपको 2.00, वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं आपको रुपीज 2.50, और फिक्स ओवरहेड्स ऐड नहीं करना. उसके साथ साथ आपको रुपीज 0.50 भी दे रखे हैं इसमें एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के तौर पर. तो जो मार्जिनल कॉस्ट आएगी आपके निकल के 0.50, 1, 2, 3 या तो 5 और 7, 12 ₹50. ये आ गई आपकी मार्जिनल कॉस्ट रुपीज 12.50 पर यूनिट. अब हमें निकालना है इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा दैट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट. सेलिंग प्राइस आपके पास दे रखा है रुपीज 20 पर यूनिट एज पर इन द क्वेश्चन, और आपके पास जो मार्जिनल कॉस्ट हमने कैलकुलेट करा है वो निकाला है रुपीज 12.50 पर यूनिट. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है वो आएगी 7.50 पर यूनिट. ठीक है, सो यू विल गेट हेयर इक्वल टू रुपीज 7.50 पर यूनिट. ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन. ठीक है, अब हम बी पार्ट में निकालते हैं कंप्यूटेशन
loss if plant is operated. पहले तो हम निकालेंगे कि अगर प्लांट को हम ऑपरेट करते हैं तो कितना लॉस होगा, ठीक है, और फिर हम निकालेंगे कि अगर शट डाउन कर दिया जाता है तो कितना लॉस होता है, फिर कंपैरिजन के बेसिस पर हम क्लियर करेंगे कि प्लांट को शट डाउन करना है या नहीं करना है। तो पहले तो आप लॉस को कंप्यूट करते हैं, तो यहां पर पहले निकालोगे आप टोटल सेल्स, ये 3 मंथ्स के लिए निकालना है हमें, यहां पर 3 मंथ्स के लिए टोटल सेल्स निकालो, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं इसके तरफ से 10,000, ठीक है, लेकिन 3 महीने के लिए हमें क्या है, केवल 5,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया सकता है और सेल किया सकता है, तो 500 यूनिट्स को आप सेल कर सकते हो अगले 3 महीने के लिए, हम प्लांट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहां पर हम 500 को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम रुपीज 7.50 से, तो यह आएगा टोटल सेल्स या कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका ना, ठीक है, और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 500 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हमें ना, तो ये आएगा के पास 5,500 × 2, 5,500 × 2, 3,750 ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 3 महीने के लिए, ठीक है। अब हमें निकालनी है यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये 3 महीने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट निकलेगी। अब 3 महीने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है इन्फॉर्मेशन कि जो कंपनी के फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो ₹4 पर यूनिट हैं, ठीक है। अब फर्म की कैपेसिटी कितनी है, 10,000 यूनिट्स की है, और कितना चार्जर, ₹4 पर यूनिट, लेकिन हम निकाल कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए निकाल रहे हैं, तो 3 महीने का मतलब आएगा 3/12, ये ईयर्स में कन्वर्ट हो गया, 3 × 12 और 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी कि ये आ गया आपके पास ₹10,000, ये क्या आ गया आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। आपने टोटल सेल्स या टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया 3,750 और टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल ली। अब आपको अगर लॉस निकालना है तो लॉस का मतलब क्या जाएगा, आप कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन है कितना आपका 3,750 का, और जो फिक्स कॉस्ट है वो है आपके 10,000, ये वैल्यू जाएगी आपके पास टोटल होके 0, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2 और 9 में 3 गया 6,250 माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लॉस। तो अगर प्लांट को ऑपरेट किया जाता है अगले 3 महीने के लिए तो फर्म का लॉस होगा 6,250 का, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट द लॉस इफ प्लांट इज क्लोज्ड, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस इफ प्लांट इज शट डाउन, अगर प्लांट को शट डाउन कर दिया जाता है तो लॉस कितना होगा, ठीक है। तो उस केस में मैनेजमेंट ने क्या लगाया कि जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी पहुंच जाएगी, 2,000, ठीक है। देन फिक्स कॉस्ट
विल बी इक्वल टू रुपीज 2000। 10000 से घटके सीधे कहाँ जाएगी 2000 पर, और इसमें एक एडिशनल फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 2800 के बराबर, एंड एडिशनल फिक्स कॉस्ट ये आपको दे रखी है रुपीज 2800 के बराबर। तो यहाँ आपकी टोटल लॉस इफ प्लांट इज शट डाउन कितना जाएगा रुपीज 4800। ठीक है, और इससे पहले हमने जो लॉस निकाला था वो कितना था 6250, तो ये कम है, ये लॉस कम हो रहा है, तो इसका मतलब प्लांट को शट डाउन करना यही एकमात्र ऑप्शन है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया हमारा, कंक्लूजन आया दैट द प्लांट शुड बी शट डाउन फॉर 3 months। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी कंक्लूजन की। अब हम इसका अगला पार्ट कैलकुलेट करते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारा, इसमें डी हमें निकालना है शट डाउन पॉइंट कैलकुलेट करना है हमें, शट डाउन पॉइंट। तो पहले देखेंगे हम अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 में से 2000 और माइनस 2800 इस कॉस्ट को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये शटडाउन के टाइम की कॉस्ट है, और जो 10,000 जो है वो जब प्लांट ऑपरेट हो रहा है उस समय की कॉस्ट है। तो जो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है उसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से। तो 10,000 में से आप माइनस कर दोगे 4800, तो ये बचेगा आपके पास 0। 10 में से 8 गया 2 और 9 में 4 गया 5, तो ये जो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट आ गई वो आ गई रुपीज 4,500। ठीक है, अब शट डाउन पॉइंट निकालना है, तो शट डाउन पॉइंट के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा यहां पर, दैट इज अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट इट विल बी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने निकाला है कितना, रुपीज 7.50 पर यूनिट पहले निकाला था हमने, और ये फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है दैट इज कैलकुलेट करने के बाद आइए आपके पास 5200 और डिवाइडेड बाय 7.50, 25 75 25 50 0 और 25 8 200 25 8 200 00 25 50 और 252। ठीक है, तीन से डिवाइड कर दो उसे, 3 × 18 और 2 20 और 3 × 27 7.50 है। तो यहाँ जब आप 50 पॉइंट हटाओगे तो दो ही तो जीरो बढ़ेंगे, तो 2080 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो जाएगा, ये जीरो नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 3 × 18 और 2 20 3 × 27 और 1 28 और 3 × 3 9 693 अप्रॉक्स। तो ये आ जाएगा आपका शट डाउन पॉइंट। ठीक है, तो दोनों सॉल्यूशन आ गए हमारे पास। पहला आ गया हमारे पास कि हम एडवाइस करेंगे कि प्लांट को शट डाउन कर देना चाहिए 3 महीने के लिए, और दूसरा जो उसका शट डाउन पॉइंट आएगा वो 693 यूनिट्स के अप्रॉक्स निकल कर आएगा। ओके, थैंक यू।